हमेशा सुर्खियों में रहने वाला संभल का सफेद हाथी, मतलब संभल का जिला अस्पताल, जो किसी न किसी रूप में सुर्खियों में रहता है। कभी डेड बॉडी के कुत्तों के नोचने के मामले में, तो कभी मरीजों को जमीन पर तड़पने के मामले में। आज फिर एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां दुर्घटना में घायल हुए बुजुर्ग को स्टेशन न मिला और न ही एम्बुलेंस मिली है। बुजुर्ग का पुत्र गंभीर घायल पिता को गोद में उठाकर ले जाते कैमरे में कैद हुआ है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और दूसरी तस्वीर कलेजा चीरने वाली है। एक महिला अल्ट्रासाउंड कराने आई और वो घंटों इमरजेंसी के गेट के बाहर लेटी रही, लेकिन किसी भी अस्पताल कर्मचारी ने उस महिला को उठाकर रूम तो छोड़िए बिस्तर भी मुहैया नहीं कराया। ऐसे में कई सवाल संभल के जिला अस्पताल पर खड़े होते हैं, पर हर सवाल का बायकाट करते हुए और अपना प्रोटोकॉल बताते हुए ये महोदय यानी CMS की नज़र में एम्बुलेंस का एक सिस्टम है और उनकी नज़र में स्टेशन न मिलना कोई खास बात नहीं है। पूरा मामला संभल जिला अस्पताल का है, जहां से आए दिन लापरवाही की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। आपका जयवीर, कहां रहते हैं आप? अकराबाद। आपके पिता का नाम क्या है? पन्नू। ये कौन है आपकी पत्नी जो यहां पर लेटी थी? हाँ। क्या नाम है इनका? नेकासे। आप क्यों आए थे यहां पर? अल्ट्रासाउंड कराने। तो फिर क्या हुआ? डॉक्टर नहीं मिले। क्या कहा डॉक्टर ने? डाले छुट्टी बगैर। कितना टाइम इंतजार किया आपने? 3 घंटे। 3 घंटे यहीं लेटे रही है? अब आप वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं। नहीं हो पाया एडमिशन? ठीक। वो आज की घटना नहीं है, वो कल शाम की घटना है। वो जो इंजर्ड आया था वो एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया था और उसको कोई भी गंभीर चोट नहीं थी, जैसा कि मुझको मेरे इमरजेंसी पे उस दिन डॉक्टर चमन ड्यूटी पे थे उन्होंने बताया, कोई ऐसी गंभीर नहीं थी। उसने अपनी मोटरसाइकिल वो कहीं दूसरी तरफ खड़ी कर रखी थी, जहाँ पर स्ट्रेचर से उतरने की सुविधा नहीं थी। उससे पूछा भी गया, क्योंकि 108 एम्बुलेंस होती है, वो मरीज को लाती है, क्योंकि मरीज गंभीर नहीं था तो उन्होंने वापस घर छोड़ने के लिए उसकी सुविधा नहीं होती है। तो वो अपने जो कि उसने दूसरी तरफ मोटरसाइकिल खड़ी थी, तो इसलिए वो अपना गोदी में ले गया और ऐसा कोई इनको गंभीर चोट नहीं थी, जो डॉक्टर ने बताया, और अपनी मर्जी से घर ले गया।